नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने किया कार्यालय का उद्घाटन। 69 विधानसभा क्षेत्र नानक मत्ता के निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सिंह राणा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मिठाई बांटी, साथ ही फीता काटकर नानक मत्ता निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सिंह राणा ने अपने समर्थकों से कहा कि आज से हम अपना चुनाव प्रचार को गति देंगे, जनसंपर्क तेज करेंगे। इसी बीच मुकेश सिंह राणा ने कहा कि उन्हें क्षेत्र के लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये नानक मत्ता विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे। सितारगंज संवाददाता अंसारी की रिपोर्ट। उन्हें एस सी का दर्जा लाना है, किसानों को उनके किसानों के बोले समर्थ जो है उपज का फूल मूल्य मिले, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जो है किसानों के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे होंगे सब लोग जो है यहाँ बारिश हो आंधी हो तूफान हो सब लोग भीगते हुए आए हैं। एक जोश और जुनून के साथ आए हैं कि हमने जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको जो है विजयी बनाना है। ये चुनाव मुकेश राणा का नहीं है, बाकी यहाँ जितने लोग हैं और जितने भी क्षेत्र में हमारे समर्थक हैं सभी लोग अपने पूरे तन मन और धन से चुनाव में लगे हैं, हमारे साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं। मुकेश राणा जिंदाबाद।